बदतमीज लड़की, इतनी देर से बैल बजा रही है। मैं कब से बोल रही हूँ कि आ रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? बस बैल दिख गई तो उस पर उंगली रख दी। अरे हाथ हटाना भी होता है उस पैसे। बोल क्या काम है? अच्छा पिज्जा लेके आई थी। अरे बेवकूफ लड़की, तेरा काम ना लोगों को पिज्जा डिलीवर करने का है, उन्हें परेशान करने का नहीं है। कितने पैसे हुए हैं इसके? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? फ्री में देने आई है पिज्जा? पैसे बता कितने हुए? अरे पागल वागल है क्या या कोई नशा करके आई है? पैसे पूछ रही हूँ कितने हुए। ₹300 हुए तो मुंह में जबान नहीं है क्या? खड़ी रह, लेकर आती हूँ पैसे। ये पकड़ ₹500 और ₹200 वापस कर। टिप्पणी दिए मैंने कोई? पैसे वापस कर मुझे। पागल कहीं की, तूने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया है ना कि मैं क्या बताऊं। पैसे दे। अरे बहरी है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? तेरे को ना थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। ₹200 वापस दे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाए यहां से। समझ में नहीं आ रहा है क्या? निकल यहां से, दफाओ। क्या हुआ मैम, आप इसे ऐसे धक्का क्यों मार रहे हो? भैया धक्का ना मारू तो और क्या करूं? इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। ये पिज्जा लेकर आई थी, पहले तो बैल पे बैल बजाती रही। अरे इस पैसे उंगली हटानी भी होती, इसको समझ में नहीं आता है क्या? फिर मैंने इससे पूछा कि पैसे कितने हुए, कुछ बता ही नहीं रही, भूत बन के खड़ी हुई है बस। उसके बाद मैं पैसे लेकर आई, इसको मैंने पैसे भी दिए, पैसे वापस मांग रही, पैसे रख के बैठ रही है, दे ही नहीं रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया है। एक तो मैं गर्मी की वजह से इतनी परेशान हो गई हूँ, ऊपर से ऐसे लोग आ जाते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बेवकूफ कहीं की। वो क्या है ना, आप यहाँ पर नए आए हो तो शायद आपको इसके बारे में पता नहीं है। आप इसे जितना भी कुछ भी बोल लो, ये ना तो आपकी बात सुन पाएगी और ना ही कुछ बोल पाएगी। रुकिए मैं बता देता हूँ इसे। ना तो मैं बोल सकती हूँ और ना ही मैं सुन सकती हूँ, इसलिए लोगों को अक्सर गलतफहमी हो जाती है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।